Welcome back friends to another brand new video of this channel which is officially called Meet for SSC। ये चैनल में धीरे 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 बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो में जैसे कि तुम लोग थंबनेल से देखे ही हो, CGL 2020 टार्ट टू कट ऑफ प्रेडिक्शन, इसके रिगार्डिंग थोड़ा बात करेंगे। ज़्यादा डीप में कितना तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो पर्सनल कोचिंग के लिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे अभी पर्सनल कोचिंग शुरू करूंगा। धीरे धीरे जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट और भी बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं पर्सनल गाइडेंस करूंगा किसी लोगों को तो उन लोगों को लोग बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा एक्सपीरियंसेस नया मिलने को, सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं वो डिटेल में शेयर करूंगा मेरे पर्सनल कोचिंग में, बहुत कुछ होगा पर्सनल कोचिंग में। इफ यू आर इंटरेस्टेड पिंग मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम लोगों के लिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ। तो अभी बढ़ते हैं पहली पॉइंट में, वीडियो में। वीडियो में जैसे मैं तुम लोग देख रहे हो, ये है डबल ओ, ये है JSO, ये है अदर पोस्ट। अब क्या हुआ है कि टायर वन के लिए सब पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जैसे जाता ही है, तो डबल ओ के लिए UR का कट ऑफ मेरा क्या हुआ था, अगर मैं कैटेगरी दू UR, जो मुझे 6 कैटेगरी मिलता है, UR है, SC है, ST है, OBC है, EWS है और PHOH भी है, उसके वैकेंसीज भी बहुत कम है, तो इसके लिए मैं बाद में बात करता हूँ। UR के लिए टायर वन का कट ऑफ क्या हुआ था, 167.45963, देख ही रहे हो पॉइंट के बाद इतना, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या हुआ था, SC का 145.28912, ST का है 140.97604, EWS का है, OBC का है 161.36748 और EWS का है 164.00018, ऐसा कर पे कुछ। मैं PHOH जो है उसके बारे में डिटेल में छोटा सा एक वीडियो में बता दूंगा कि क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं ये 5 कैटेगरी टच कर रहा हूँ, तो जो PHOH जहाँ से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डोंट गेट अपसेट। तो अगर ये है टायर वन का कट ऑफ, तो टायर टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाना चाहिए, जब तक कि टायर थ्री नहीं आ रहा है। देखो टायर थ्री तुम लोगों को हो ही गया है, टायर थ्री हो जाने के बाद ही डायरेक्ट मार्क्स ऐड करने के बाद ही आएगा कट ऑफ। तो अगर मैं थोड़ा सा कंसिडर करके भी कट ऑफ लिखूं, तो मुझे जो लगता है वो कट ऑफ होना चाहिए 695 to 725, इसमें होना चाहिए SCs के लिए 690 to 710, STs के लिए 670 to 685, OBC के लिए 701 to 715 और EWS के लिए 702 to 718। अच्छा, इसमें से बहुत लोग तुम लोगों में से अभी ये पॉइंट देख के ही गुस्सा हो गए होगे और मुझे बता रहे होगे कि सर इतना हाई तो नहीं जाने वाला है कट ऑफ, आप ज़्यादा हाई करके बता रहा हो। हाँ, मैं हाई करके बता रहा हूँ, ये पॉइंट तो सही है, क्योंकि अगर टायर वन में मैं पकड़ लेता हूँ, अगर टायर वन में किसी UR को, एक केस पकड़ लेते हैं, किसी UR को 170 मिला, पकड़ लेते हैं ग्रॉसली, आप अपना कैटेगरी के लिए ये भी देख लेना,
170 मिला, टायर टू में उसे अगर 340 मिला, जो कम है, मैं 350 पकड़ता हूँ, चलो, तो कितना हुआ आपका, हो गया 520, ठीक है, 520 अगर हो गया, 520 के बाद अगर उसे 70 मार्क्स और मिलता है, आपका डब्ल्यू पेपर में अगर आपको 170 से पकड़ ले, 170 नहीं 150 ही पकड़ लो, 150 तो मिलना ही चाहिए, तो आपका कितना आया 670, 670 के बाद आपका टायर 3 भी ऐड होगा, उसमें से 60 मिलना चाहिए आपको, तो हो गया 735, तो 735 इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, मैं वहाँ पे बता रहा हूँ 695 टू 725, ठीक है ना, क्योंकि 170 मिला, क्वालिफाई किए हुए, 350 मिलना चाहिए तुम्हें टायर 1 प्लस टायर 2 में, आएगा 520 प्लस वो थर्ड पेपर जो है जनरल स्टडीज, उसमें तुम लोगों को 150 मिलना चाहिए, तो हो गया 670 और 60 हो गया 735, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 695 टू 725, तो आप लोग भी देख सकते हो कि टायर 2 का एक्सपेक्टेड स्कोर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन में भी हाई जाता है कट ऑफ, यही पॉइंट हो जाता है, टायर 2 फाइनल कट ऑफ के बाद और भी हाई जाता है कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल हैन तैन करके स्किल टेस्ट मिल टेस्ट के बाद और भी हाई जाता है, तो मैं ये रेंज पकड़ के चलता हूँ। सिमिलरली एससी के लिए 692 से 710, एसटी के लिए 672 से 685, ओबीसी के लिए 701 से 715, ईडब्ल्यूएस के लिए 702 से 718, अगर ये नहीं जाता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसीज इस बार घट गया है, वैकेंसीज कम हो गया है, तो मुझे लगता है फाइनल में इससे ज़्यादा, मतलब 735-750 तक तो जाएगा ही फाइनल में, मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ स्टार मार्क करके कि आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे जो लगता है मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है, तो आई होप कि ये डबल ओ का पॉइंट तुम लोगों को क्लियर हो गया है। अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है जेएसओ, जेएसओ में क्या जाना चाहिए देखते हैं। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जेएसओ के लिए ये देख लेते हैं कि जेएसओ के लिए टायर 1 का कट ऑफ कितना गया था। कैटेगरी वाइज अगर देखूं, मैं टायर 1 का कट ऑफ गया था यूआर के लिए 153.08245, पहले तो 5 में लिखता नहीं था, लेकिन अब देखा कि एक भी 0.001 भी कम मिलता है तो कट ऑफ क्लियर नहीं होता है लोगों का, तो लिखना पड़ता है 122.40547, ओबीसी के लिए है 147.63 201, और ईडब्ल्यूएस के लिए 146.01050, ठीक है, ये हो गया टायर 1 का कट ऑफ। अब टायर 1 का कट ऑफ के बाद टायर 3 भी ऐड होगा, टायर 2 तो दिए हुए हैं, टायर 3 भी ऐड होगा और स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी ऐड होगा जिसमें 200 है। देन वी ऑल्सो टेक अ केस एग्जाम्पल ऑफ एन यूआर, आपका कैंडिडेट आप सोच लेना कि जिसको 153 मैं पकड़ लेता हूँ, 160 मिला है उनको टायर 1 में, ठीक है, प्लस करता हूँ, टायर 2 में बेसिक पकड़ के चलता हूँ 350, क्योंकि 350 तो अभी तो मुझे लगता है ठीक ठाक स्कोर है, क्योंकि पहले बहुत अच्छा स्कोर होता था टायर 1 टायर 2 में, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक स्कोर है, 360 प्लस इज़ अ वेरी 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 गुड स्कोर, बट ठीक है सबको नहीं मिलेगा उतना, 350 पकड़ के चलता हूँ, छोड़िए अगर 350 नहीं पकड़ता हूँ तो 340 तो ले ही सकता हूँ, 340 हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स में आपको 150 मिलना चाहिए, जेएसओ के लिए 150 तो मिलना ही चाहिए, तो आपका कितना आया 160, 340 इज 500 प्लस 150 इज 650, तो 650। इसके बाद क्या आ रहा है तुम लोगों का, इसके बाद आ रहा है तुम लोगों का टायर 3, टायर 3 में अगर 60 भी पकड़ लेता हूँ तो कितना आ रहा है 710। अब तुम लोगों में से बहुत लोग ये इसको देख के भी गुस्सा हो जाओगे, मेरे ऊपर चिल्लाने लगोगे, क्या सर क्या बोल रहे हो, इतना नहीं जाना चाहिए, इतना कौन, इतना मार्क्स किसको मिलता है, ये इतना मार्क्स अगर मिलेगा तो मैं तो फर्स्ट आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन अभी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे ज़्यादा मार्क्स मिलता है लोगों को, तो अगर कंप्रिहेंसिवली मैं अगर पकड़ूँ आफ्टर टायर 3, मुझे जो लगता है टायर 3 के बाद 6